नमस्कार दोस्तों, ओमनी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सिंह निकल तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, 1099 दिन का क्लास है और ये हाउ टू रीड। ज़्यादातर हम लोग का फोकस जो है इसी पे रहता है और कैसे हम लोग अंग्रेजी आसानी से पढ़ना सीखें, इस बात को लेकर हमेशा प्रश्न होते हैं आपके दिमाग में और दूसरे लोगों के दिमाग में, तो कैसे कोई मतलब नहीं पढ़ पा रहा है, इस तरह की बात तो सोचते हैं। देखिए, हर एक वर्ड पे मैं अब आपके साथ हूँ, हर एक वर्ड को मैं बताऊँगा कि कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है। अगर आप गांव से हैं, महिला हैं, घर में रह रही हैं और चाहती कि रहते रहते कुछ सीख जाए, इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, आसानी सीख जाए, तो हमारे साथ बने रहिए। और गारंटी के साथ मैं दोस्तों बात करता हूँ कि पहले पढ़ना होता है, सबसे पहले रीडिंग करना आ जाएगा ना, तो बस समझिए कि आपका मेन काम जो हो गया। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग रीडिंग पे ही फोकस करेंगे और देखेंगे कैसे, जी हाँ दोस्तों, कैसे किसी वर्ड को पढ़ाया जाता है और किस वर्ड में क्या रीज़न है पढ़ने का उस पर भी, मतलब कि कोई वर्ड अगर उस वर्ड को पढ़ रहे हैं और वो वर्ड डिफरेंट है तो डिफरेंट क्यों है, इस बात पे फोकस करेंगे। साथ ही हमारे पुराने वीडियो में जब देखेंगे आप, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैंने बहुत चर्चा की, बहुत इतना ना, जैसे कि बाबा रामदेव का लौकी है ना, जो लौकी है फेमस हो गया, उस तरह से मेरे पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आपने देखे होंगे वीडियो में हमारे पास, तो फेमस है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। कोई बताता नहीं है इस तरह से कि भाई इस तरह से पढ़ना है, मैंने खुद निकाला एक तरीका पढ़ने का। जैसे दोस्तों, अगर मैं बोल दूँ कि ENT एंट है, तो एंट ये हमेशा रिपीट होंगे। मैं बोल दूँ कि भाई TUR को चर पढ़ते हैं, तो इसको एज ए चर याद कर लीजिए, हमेशा आएगा। PR को प्रूफ बोलता हूँ तो हमेशा आएगा। AL को अल बोल रहा हूँ तो हमेशा, ये देखिए सन मैं बोलूँ तो आप देखेंगे कि हमेशा ये सन रिपीट होंगे। जैसे देखिए यहाँ ये अलग वर्ड है, EXTRSCTION अलग वर्ड है, यहाँ HABITBITATION अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ देखिए चार लेटर जो TION है, यहाँ जो TION है, क्या सेम नहीं है? आप ही बताइए, है या नहीं है सेम? दोस्तों आप कहेंगे हाँ है सेम, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे। जैसे देखिए टिव है, ये रिपीट होंगे हमेशा। जैसे यहाँ देखिए EWS है, आप कहेंगे कि हाँ है, तो यहाँ ये क्या है, EWS यहाँ नहीं है क्या? अब यहाँ सी है तो यहाँ एल है, अंतर ही ना, तो सी के साथ यहाँ बोलेंगे, यहाँ एल के साथ बोलेंगे, उस पार्ट्स का उच्चारण तो आ ही जाएगा ना। तो चलिए एक एक वर्ड पे बात करूँगा, कैसे वर्ड किसी को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इस सारी बात पे मैं आपके साथ आज बहुत ही मतलब गहन सोच, जो आप दिमाग में सोचते हो उसी तरह की बात को मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, जिसको भी नहीं पढ़ने आता, उन सभी को मेरे तरफ से एक कॉपी ले लीजिए और सोचिए वर्ड्स में कैसे मैंने उच्चारण किए हैं। अब अट्रैक्टिव वीडियो पे मैं ही जाइए, अट्रैक्टिव वीडियो बना देने से, कुछ वर्ड्स डाल देने से मतलब काम नहीं बनने वाला, परफेक्ट होकर पढ़ेंगे हम। जैसे देखिए ER है, यहाँ पर है ER, चलिए ER को अगर मैं बोल दूँ कि R है, यहाँ पर भी ER है। अब देखिए ER आप खोज लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे, नहीं तो अगली स्लाइड में मिलेंगे, आप कहीं से भी खोज सकते हैं। यहाँ देखिए ER यहाँ भी है ना, ER है, तो अब देखें कैसे ER को अर पढ़ते हैं, तो PE जब अर जो है प के साथ लगा, प के साथ अर लगा तो क्या हुआ, पर। पी को क्या पढ़ते हैं, प। ER को क्या बोलते हैं, अर। ये देखिए जो अर है, ये अर जो है ये पी को बना दिया, ये प आधा था इसमें अ घुस गया, तो प हो गया ना, क्या हो गया, प हो गया, पर है ना, पर। अब देखिए HAP है, ए को ए उच्चारण कर रहे हैं, है, तो यहाँ पर क्या हो गया, है, आधा पी, पी आधा पी है, उसके बाद कुछ तो है नहीं, बहुत तो आधा प कर देंगे, स को लिख देंगे, एस को लिख देंगे स, परहैप्स, परहैप्स। अब इसे दी पढ़ेंगे कि द पढ़ेंगे, बताइए, दी पढ़ेंगे कि द पढ़ेंगे? अगर आप दी पढ़ते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि द पढ़ा जाएगा, और ये ई जो है अ के रूप में उच्चारित होता है, इसलिए TH को द, TH ई से द होता है। अब देखिए पार्ट है प्रो, PRO, प्रो, IWS सी लगा तो सेस, प्रोसेस,
OULD को बोलते हैं उल्ड, उल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, उल्ड, उल्ड भी नहीं पढ़ेंगे, उल्ड उल्ड जब पढ़ ही नहीं रहे तो उल्ड कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे उड, क्या पढ़ेंगे उड, वुड भी नहीं पढ़ेंगे, वुड भी नहीं पढ़ेंगे, वुड क्यों, वुड 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 ऐसे करके वुड, आप ऐसे पढ़ सकते हैं वुड, वुड नहीं पढ़ेंगे वुड, हैव हैव एस टी आर टा और टी ई डी टेड टेड स्टार्टेड इन मोस्ट मोस्ट या मोस्ट मोस्ट या मोस्ट मोस्ट ठीक है मोस्ट मोस्ट ह्यूमन या ह्यूमन या ह्यूमन बताइए ह्यूमन या ह्यूमन या ह्यूमन दोस्तों इस बात को देखिए यू जो है ये ई यू के रूप में पढ़ा गया है ठीक है ये ए जो है आ के रूप में पढ़ा गया है तो इसलिए ह्यूमन पढ़ते हैं ह्यूमन ह्यूमैन नहीं ह्यूमन ह्यूमन नॉट ह्यूमैन नॉट ह्यूमन ओनली से ह्यूमन सेटल देखिए से सेटल सेटल देखिए ई एन टी को एंट पढ़ते हैं एंट एम लगा तो मेंट हो गया एस लगा देंगे तो मेंट मेंट्स हो जाएगा है ना सेटलमेंट्स वेन हेन पढ़ते हैं ना एच ई एन हेन व लग गया और इसमें हे कर देंगे अन्ना वेन अच्छा मैं जब स्कूल में छोटा था तो हमारे प्रिंसिपल कहा करते थे पीपुल अब मैं कंफ्यूज मैं पूरा तरह से कंफ्यूज पीपुल कैसे बोलते हैं भाई पीपुल कैसे मैं खोजते रहता था पीपुल पू खोजता था मैं पी पी तो मैं मुझे मिल जाता था कि भाई पी पी है लेकिन पुल किधर है मैं कंफ्यूज 100% कंफ्यूज सोचने की बात है दोस्तों अब यहाँ मैं दिखा दूँ आपको बताता हूँ फिर से कि आप देख रहे हैं पी ई ओ पी एल ई अब कह दे कोई कि पीपुल पढ़िए पी पीपुल चलिए पीपुल तो मुझे लगता था कि भाई पी ई से पी होगा चलिए ठीक है एल ई से ल होगा लेकिन ये पी जो ऊ है ऊ कहाँ से आ गया क्या ओ पी को पू पढ़ते हैं क्या अगर पू रहता तो ये ऊ ऐसे होता ना ये वाला ओ उधर आ जाता तब ऐसे स्पेलिंग पढ़ते हैं पी पुल ऐसे पढ़ते हैं पीपुल तब ये पीपोल हो जाता तभी वर्ड तब उच्चारण ही अंतर अंत बदल जाता है दोस्तों ये ना चाहे सी बात है मैंने गलत शायद गलत उच्चारण कर रहे थे क्योंकि हर व्यक्ति का पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते एक अलग अपना उनका एक्सेंट हो जाता है और वो उसी वे में बोलते हैं मेरा भी कुछ एक्सेंट होगा जो मेरा वे वही होगा बोलने का ऐसा नहीं कि नहीं पता या वो कह दिया जाएगा पीपल पीपुल लिखे तो नहीं लिख पाएंगे चलिए ये जो लिखा हुआ है ये दोस्तों लिखा हुआ है पीपल ठीक है पीपल लिखा हुआ पीपल का मतलब पीपल पेड़ से नहीं होता पीपल पीपल पीपुल तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन अब जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ पी ओ एल आई सी ई तब कहीं तब यहाँ पर कह देंगे ना पुलिस तब कहते हैं पुलिस अब भाई सर हमारे प्रिंसिपल सर बोल रहे थे पुलिस ठीक है एक दिन बोले कि पुलिस आ रही है सही बात है पुलिस मैंने देखा कि भाई पी ओ एल आई सी ई को पुलिस बोल रहे हैं यस क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ओ जो है दोस्तों सिर्फ ओ ही नहीं उच्चारण हो रहा है ओ का उच्चारण अ भी होता है आ भी होता है ऊ भी होता है तो ये हो गया छोटी हुई बड़ी हुई एक ही बात है उच्चारण में तो यहाँ पू हो गया पुलिस कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ तो ओ के ओ पी के पहले ही हुआ तो कैसे मान लें हम पीपुल दम नहीं मानेंगे उनकी बात को आज जो है दोस्तों जो भी है हम लोग हैं लॉजिक लॉजिक पे किसी बात को रखते हैं ना कि जो जैसा बोल दिया गया उसी पे अगर अगर कोई चीज़ है तो हम लोग सत्य की खोज में मतलब ऐसा नहीं कि किसी बात को मान लिए लगता है कि हाँ वाकई में खोजना है कि वाकई में है या नहीं है कि बस ऐसे ही बोल दिए बस उनकी बात को मान लो कि हाँ भाई है अरे है तो किधर है दिखाई उसका प्रूफ दीजिए क्यों ऐसा किया गया हर चीज़ का आज के समय में लोग ऐसे ही सोच रहे हैं तो मैं भी बता रहा हूँ इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं तो पीपल स्टार्टेड
started। दोस्तों यहाँ पर देखिए ली, एल आई ली, और ये आई एन जी को इंग बोलते हैं, वी के साथ लगा तो विंग हो गया, विंग, ली विंग, ली भी नहीं, भी नहीं, भी तो बोल रहे हैं ना। सिंगल वर्ड जब उच्चारण करेंगे तो सिंगल ए बी सी डी का उच्चारण करेंगे, लेकिन जब अगर जो जो लेटर्स है उसको बोलते समय हमेशा बदल जाता है, भी वह बन जाता है, तो लिविंग इन रिलेटिव टिव, ये टिव है, पीस, ये देखिए पीस पीस, एंड इन मोर और लेस फिक्स्ड फिक्स्ड हैबिटेशन हैबिटेशंस विदाउट विद हो गया, ये देखिए आउट आउट, विच एग्रीकल्चर नॉट एग्रीकल्चर 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 नहीं एग्रीकल्चर एग्री कल सीवल को कल याद रखिए चर एग्रीकल्चर बिगन विगन विगन नहीं विगन विगन एंड विगन एंड डेवलप्ड 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 द एक्स एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन। देखिए एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि भाई पढ़ के आप तो टी आई एन को ए सी को एक भी पढ़ सकते हैं, ए सी टी आई एन को एक्शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे एक्स ट्रैक 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 असन तोड़ के अलग से पढ़ लेंगे, सन यहाँ अलग कर लेंगे, एक्स अलग करेंगे, ट्रैक अलग कर लेंगे, तीन एकदम उच्चारण हुआ एकदम फिक्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक आई का चाहे आई के रूप में लाइक लाइके नहीं पढ़िए, ठीक है जैसे नाइकी पढ़ते हैं लोग नाइकी वैसे नहीं पढ़ना, लाइक मिनरल्स ई आर को अर बोलते हैं, या आप ऐसे करिए ई को अ पढ़ देते हैं मी न और रख रल लगा रल मिनरल्स ओर्स प्रोबेबली प्रोबैब प्रोबैब ये देखिए ली वॉच स्टार्टेड। तो दोस्तों आगे था दूसरे चलते हैं स्लाइड में और देखिए अच्छे से फोकस बनाना है सीखने के लिए और अच्छे से सीखेंगे छोटे छोटे वर्ड्स पे देखेंगे आखिर क्यों नहीं हम पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे और एक दिन अच्छा पढ़ेंगे फ्लो में पढ़ेंगे ऐसा आप सोचिए हमेशा। मैं अगर सीरियस है कॉपी पे लिखिए जो मैं बोलता हूँ, अगर मेरी बात अगर आपको लगता है कि ये नोट करने की है तो नोट करिए, क्योंकि दोस्तों अचानक से कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अचानक से कुछ नहीं बना, ना दुनिया बना, ना दुनिया में इंसान का जन्म हुआ, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, बंदर कहते हैं ना कि चिंपैंजी ये बंदर जो भी कहले, उसके बाद इंसान इस तरह से हैं हम लोग, और हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी रुका नहीं विकास हम लोग का विकास हो रहा है, और विकास होगा दुनिया और बदलेगी। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं दिस दिस लेटर लेटर ईयर को टी लेटर लेटर देखिए प्रो फिर देखिए ई डब्ल्यू एस प्रोसेस ऑफ री सी ओ क भी आर भ रिकवर व व वी व रिकवर रिंग रिंग रिकवरिंग एस टोन्स एस्टोन्स है ना स्टोन्स एंड या एंड 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 पढ़ेंगे अदर 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 मिनरल्स इज कॉल काल बोलेंगे कॉल कॉल बोलेंगे ना ईडी लगे कॉल क्वारिंग ठीक है क्वा क्वारिंग 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 ह्यूमंस लर्नड टू यूज यूज द नन नॉन नहीं नॉन फूड लोग नॉन 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 फूड नन नन फूड नॉन फूड नॉन फूड प्रो डी यू सी ड सीड से क डक्ट्स प्रोडक्ट्स लाइक वुड वुड नहीं बोलो वुड वुड फ्रॉम ट्रेस एंड एंड द मिनरल्स ठीक है ट्रीज एस ई डबल हो गया यहाँ पर ट्रीज एंड द मिनरल्स ऑफ ई एन को ए आई को एन बोलते हैं टी लगा तो टेन हो गया ई डी को एड बोलते हैं तो ऑब्टेंड फ्रॉम क्वार रिंग एज रॉ मटेरियल्स देखिए मे ए के बाद जब ई आए तब ए का उच्चारण एक रूप में होता है तो एम के साथ म के साथ एम को म पढ़ेंगे
तो माँ के साथ ए लगा तो मे हो गया, तो मेटे आई एल को एल बोलते हैं, तो रियल मटेरियल्स फॉर मेकिंग 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 देयर टूल्स वेपन वेपन्स यूटेंसिल, देखिए वेपन्स यू ई एन को एल बोलते टील का टेन, यूटेंसिल्स फिशिंग फिशिंग नेट्स एंड सो ऑन। दिस वर वेयर नहीं पढ़िएगा, याद रखिए वर पढ़ना है, द फर्स्ट, ऐसे करके पढ़ना सीखिए दोस्तों, 100% पढ़ने आएगा। अगर दिक्कत है फिर से रिपीट कीजिए, आपको जितना मैं सहूलियत से बताता हूँ उतना सहूलियत से आपको शायद नहीं पता चले कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंगल वर्ड लेते हैं। अब देखिए सिंगल मतलब आप ये देश दुनिया बोले जाने वर्ड्स है, कैसे भी वर्ड्स हो पढ़ना तो आना चाहिए ना। क्या पढ़ते हैं, एम यू को यू म्यू रेंस, बगल में लिख दिया मैंने, मर्जिट मर्जिट, अब मर्जिटे नहीं पढ़ेंगे, मर्जिट एम यू आर को मर पढ़ते हैं, म एम यू आर को मर्क पढ़ रहे हैं, मर 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 केस्ट ई एस टी केस्ट के लगा केस्ट मर केस्ट। फिर देखिए मर कियर कियर मर कियर, नेक्स्ट है तो मर किली, नेक्स्ट है मर किंग, नेक्स्ट है मर्किस, नेक्स्ट देखिए मर लेन है ना, मर लैंस, क्या पढ़ेंगे मर लैंस, इसको क्या पढ़ेंगे पढ़िए मेरे साथ, मर लीज है ना, मर लीज, मर लियर, नेक्स्ट है मर लिंग, नेक्स्ट देखिए लिंस, मर्लिंस, नेक्स्ट है मर्स, नेक्स्ट देखिए मर्न जिन, नेक्स्ट है मुर्राग, नेक्स्ट देखिए मुर्रेन, ए एन पेन बोलते हैं रेन हो गया, और मुर्रेज, R A R A Y S, तो एज हो गया रेज, तो मुर्रेज, नेक्स्ट देखिए मुर्रीज, नेक्स्ट मुरेंस, मुर्रीज, नेक्स्ट देखिए ये तो मुरहस, एक और लेते हैं मुरीज, आई एस पीज बोलते ईज, आर लगा तो रीज, मुर्रीज, मुर्रिन, पढ़िए जी हाँ तो पढ़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने का, बोलने आएगा, मुरिंस इसीलिए दे रहा है ना ताकि आप पढ़ें, मुरियन, फिर देखिए मुर्राज, नेक्स्ट देखिए मुर्थस, नेक्स्ट है मार्थर, नेक्स्ट है मार्थीज, इसके बाद देखिए मुर्गन, नेक्स्ट है मूशैंक्स, नेक्स्ट है मस्कैट्स, इसके बाद है मसेड्स। अब दूसरे साइड पे चलते हैं, अब ये देखिए मसल्ड, नेक्स्ट है मसल्स, नेक्स्ट देखिए मस्क्वाइड, नेक्स्ट है मस्कोन है ना, मस्कोन, फिर से देखिए मस्कोज, थोड़ी म्यूस्कोज है ना, म्यूस्कोज है ना, नेक्स्ट है मस्कोबी, मस्त चल रहा है, मस्क क्या हमारा प्रीफिक्स हो गया तो शुरू में आता है, तो सिर्फ मस्क्यूल, तो ऐसा देखिए म्यूज़फुल, नेक्स्ट है म्यूज्ड, फिर देखिए म्यूजियम्स, मूसर्स, नेक्स्ट है मूसियर्स,
यहाँ देखिए मूसर्स, ये मूसियर्स, तो यहाँ ना मूसियर्स। नेक्स्ट देखें मुसीली, मूसर्स मुसीली, मुसीली के बाद देखें ये है मुसिंग, मुसिंग के बाद है मुसरिक, मुसरिक के बाद देखें मुसियस, मुसियस। नेक्स्ट है म्यूजिकल, म्यूजिकल, फिर देखिए म्यूजिक्स, म्यूजिक्स। नेक्स्ट है म्यूसिमोन, म्यूसिमोन। नेक्स्ट है म्यूसिंग्स। नेक्स्ट देखिए म्यूसिक, सॉरी म्यूजिक, सी क्यू यू ई को भी क्या बोलते हैं, म्यूजिक। फिर देखिए म्यूसिड, म्यूसिड, म्यूजिड्स, म्यूजिड्स, ये ड है ठीक है, म्यूजिड। मस्के, म्यूस्क, म्यूस्केक्स। लास्ट है देखो इसमें, इस कॉलम में मस्कट्स, मस्कट्स। अब देखिए इधर मस्कियर, ईयर, आईयर को ईयर बोलते हैं, आईएस को ईज बोलते हैं। मस्कीज, देखिए ली, मस्किली, मस्किली। नेक्स्ट है किंग, इंग, मस्किंग, क्या होगा मस्किंग। नेक्स्ट जो है मस्किट्स। नेक्स्ट देखिए मस्कल्स, मस्कल्स, हाँ मस्कलेस, सॉरी मस्कलेस। मस्कोका, मस्कोका। नेक्स्ट है मस्कोन, उसके बाद देखिए मस्क्रैट। नेक्स्ट है मसलेह, उसके बाद जो है तो मसलिमा, क्या होगा मसलिमा, और है मुसलाइन, मुसलाइन। तो ये वर्ड है और डिफरेंट तरह से उच्चारण किए गए हैं, तो बताइए कैसा लगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो सबसे ज़्यादा जो क्या जरूरी है कि लाइक बटन दबाइए, कुछ मत कीजिए, लाइक कर दीजिए बस। सब्सक्राइबर हमारे पास बहुत है, अब बस लाइक करते जाइए दोस्तों। शेयर करना है तो कर दीजिए, हालांकि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन के साथ ही करें। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद। ठाकुर जी मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।